एंड्रॉइड क्यू ऑक्सीजन ओएस के अंदर आने वाला है और इसका डेवलपर प्रीव्यू 3 भी आ चुका है और 4 भी जल्द ही आने वाला होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसका कार्ड डाल दिया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। पर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस 10 जो कि एंड्रॉइड क्यू पे बेस्ड होगा, वो कैसा निकल कर आएगा और हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या डिजाइन में चेंज होगा और क्या क्या नए फीचर्स हमें ऑक्सीजन ओएस 10 में से देखने को मिलेंगे। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं भीम और आज हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन ओएस 10 के कुछ कंफर्म्ड फीचर और कुछ जो कंसेप्ट वगैरह हमें निकल कर आए हैं एचडीए फॉर्म से या फिर वन प्लस की कम्युनिटी साइट से, तो हम उन चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले तो वही, अगर आप इसका जो अभी डेवलपर प्रीव्यू है उसे ट्राई करना चाहते हो तो मैंने कार्ड डाल दिया है। कार्ड जो मैंने डाला है डेवलपर प्रीव्यू 1 इंस्टॉल करने का है। अब जो डेवलपर प्रीव्यू 1 था ना, वो काफी कच्चा था, मतलब जो गूगल ने दे दिया वो वन प्लस ने आगे हमें दे दिया था। बट डेवलपर प्रीव्यू 3 में ऑक्सीजन ओएस के साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन किया है, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट निकल कर आया है वो डेवलपर प्रीव्यू 3 में देखने को मिला है, जिसमें हमें काफी सारे एंड्रॉइड क्यू के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और ऑक्सीजन ओएस की उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी देखने को मिलती है। तो मेन चीज जो मुझे पर्सनली पसंद आई, इनका नेविगेशन बार, जो एंड्रॉइड क्यू के अंदर गेस्चर्स आने वाले हैं वो काफी बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि उसमें बैक राइट और लेफ्ट दोनों साइड से होगा और जो रिसेंट्स और होम है वो नीचे की तरफ से होगा। तो एक तरह से iOS स्टाइल गेस्चर्स है जो हमें एंड्रॉइड क्यू में देखने को मिलेंगे, और इसको वन प्लस कैसे ऑप्टिमाइज करेगा वो देखने वाली बात होगी। अगर वन प्लस ने इसे ऐसा ही छोड़ दिया जैसे एंड्रॉइड क्यू ने दिया तो मैं नाखुश रहूंगा, क्योंकि वन प्लस एक ऐसी चीज है, लाइक वन प्लस के पास ऐसे गेस्चर्स पहले से ही है जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद है, मैं उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो। तो वो गेस्चर्स को अगर हम ये ओमिट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो आई वॉन्ट कि एंड्रॉइड क्यू वाले गेस्चर्स को अडेप्ट करके इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि अभी डेवलपर प्रीव्यू 3 को अगर हम देखें तो इतने बढ़िया गेस्चर्स नहीं है। तो ये तो बात होगी डेवलपर प्रीव्यू 3 की। अब देख लेते हैं जो हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, जो हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स देखने को मिले हैं इस यूआई के, एंड्रॉइड क्यू के ऊपर बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 10 के। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इतनी सारी पिक्चर्स आ रखी है। इन सारी पिक्चर्स में आपको एक बात कॉमन दिखेगी, वो है क्लीन इंटरफेस। ऑक्सीजन ओएस पहले से ही एक बहुत क्लीन यूआई है, जिसके अंदर हमें कुछ फालतू चीजें देखने को नहीं मिलती, सब कुछ काम का मटेरियल है। इसके अंदर जो हमारा यूआई है, यूजर इंटरफेस है, उसको वन प्लस ट्राई कर रहा है और क्लीन करे और साफ करे, और हमें ये चीज ऑक्सीजन ओएस 10 में देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक जो बड़ी बात जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, मैं आपको इवन निकाल के दिखाता हूं। 3 days later एक तो जो हमें जो गेस्टर्स मिलेंगे वो जो नीचे होता है ना एक बार, वो बार देखने को मिलेगा हमें, जैसे iOS में देखने को मिलता था वो एंड्रॉइड क्यू में देखने को मिलेगा, और उसके मदद से आप सारे गेस्टर्स को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये कंफर्म्ड है कि आपको ऑक्सीजन ओएस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड क्यू पे बेस्ड होगा। सेकंड बात, जो हमारा रिसेंट पैनल है, रिसेंट पैनल रीडिजाइन करके, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, इस तरह से आएगा। अब ये जो रिसेंट पैनल है काफी इंटरेक्टिव है और काफी iOS जैसा है, लाइक पूरा ही iOS जैसा है, बस नीचे से जो हमारी पिक्सल वाली जो एप्स है, रिसेंट एप्स, वो एक्स्ट्रा है। और ये वाला अगर आता है तो ये काफी अच्छा एक यूजर इंटरफेस में चेंज होगा वन प्लस की तरफ से। बट इसका कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सारे मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाया है ना, ये सारे ही कंसेप्ट है, मतलब इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये आपको आपके डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इन सारे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, हमारा फाइल मैनेजर है वो रीडिजाइन किया हुआ है, हमारी जो सेटिंग्स ऐप है वो रीडिजाइन की हुई है, जो चीजें ऊपर नीचे करी हुई है, और काफी कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के चेंज है जो हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब एक कॉमन बात, मतलब ऑक्सीजन ओएस हमारी बहुत बढ़िया है और सबको बहुत पसंद आती है जो जो वन प्लस का डिवाइस यूज करते हैं। इसमें थोड़ा और मिर्च मसाला ऐड करके इसको और अच्छा करने वाले हैं, इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी करने वाले हैं, और हम एज अ कंज्यूमर हमें एक काफी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हम इसे कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन ओएस 10 है आएगा? अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जो लीक्स और रूमर्स बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये वन प्लस 7T के साथ लॉन्च हो जाएगा। मतलब अभी तक 7T की भी कोई रूमर्स नहीं है, बट वन प्लस के प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करते हुए वो फोन निकालेंगे। 7T आ सकता है, 7T प्रो भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
साथ ही साथ इनके ऑक्सीजन ओएस 10 आएगा जो कि सपोर्ट करेगा OnePlus 7T, 7 की सीरीज को, OnePlus 6T को और OnePlus 6 को। इसके नीचे वाले फोन्स को ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके फाइनल अपडेट जो 2 साल का अपडेट का वादा था इनका OnePlus का वो पूरा हो गया है। तो उसके बाद उससे नीचे आपको एंड्रॉइड क्यू का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, आपको वन प्लस सिक्स तक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और ये अपडेट आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे ऑक्सीजन ओएस से फास्ट हो, पावर एफिशिएंट हो और नया थोड़ा रीडिजाइन देखने को मिले और काफी क्लीन हो। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे और यहीं पे एंड कर देते हैं। और आप अपने व्यूज बताओ जो स्क्रीनशॉट्स थे इनको देख के कि अगर आप वन प्लस के फैन हो, ऑक्सीजन ओएस यूज करते हो, तो इसमें से कौन सा जो रीडिजाइन एलिमेंट है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे, ये देखो आ गया ना मस्त, हाँ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।